हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स की हाल है ठीक हो तो इन कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ ई एम आई नो वी हैव डिसकस्ड फैडिस लॉ लेंस लॉ वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एम एफ तो इसके बाद टॉपिक जो हमने नोट्स में दिया है एडिक्रेंस एडिक्रेंट थ्रेटिकल है वो रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस तो मैं आपसे आज टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन अपने आप में इंडक्शन अपने आप में इंडक्शन होता क्या सपोज एक कॉयल है इस कॉल में यदि करंट आई पास किया तो आपने थर्ड इन्होंने पढ़ा इसमें मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई वेयर एन टोटल टर्न अपॉन लेंथ इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है यदि ये करंट चेंज हुआ करंट चेंज हुआ इनक्रीज और डिक्रीज तो बी चेंज होगा यदि बी चेंज हुआ तो जो इसके साथ फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगी यदि फ्लक्स लिंक चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा इस फिनमिना को कहते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का सेल्फ इंडक्शन

रूल क्या कहते हैं इट शुड अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉज क्या है पूरे यूनिट का चेंज इन फ्लक्स है। चेंज इन फ्लक्स क्यों हो रही है चेंज इन करंट। तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होने का कॉज क्या है चेंज इन करंट चेंज इन करंट ये कॉज है जो इसमें ई एम एफ हुआ उसका तो लेंस लो कहता है

नेगेटिव आएगा पॉजिटिव सेल के अंदर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव सो इफ आई इंक्रीज कर रहे डियर स्टूडेंट्स तो, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा इससे अपोजिट होगा मतलब यहाँ पे बैटरी लगी होगी ये ईएमएफ इसको अपोज करेगा उल्ट तरफ करंट भेजेगा यदि पॉजिटिव पॉजिटिव का लगे तो अपोज करते हैं दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को एंड इफ डिक्रीजिंग तो डिक्रीज को अपोज करेगा डिक्रीज को अपोज करने का मतलब क्या है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी सेम एज दैट ऑफ अप्लाइड क्या समझा है मैंने? यदि कॉइल में करंट चेंज करेंगे उसे कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कॉज क्या है चेंज इन करंट ब्रिंग्स चेंज इन फील्ड चेंज इन फील्ड ब्रिंग्स चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स ब्रिंग्स ब्रौड्स इंड्यूस इंडिया डायरेक्शन क्या हो गए चेंज इन करंट को अपोज करेगा चेंज को कैसे अपोज कर सकता है यदि इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूसड ई एम एफ करंट उल्ट तरफ इंड्यूस करेगा ताकि इंक्रीज स्लो हो यदि डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में आएगा सो so, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है इफ करंट इज इंक्रीजिंग ऑपोजिट टू इट इफ डिक्रीज़िंग सेम एज ऑफ दिस नो यहां पे एक काफी फेमस टर्म आती है सेल्फ इंडक्टेंस में अभी बोलूंगा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इनर्शिया प्लस वन में आते हैं ट्रांसलेशन इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनर्शिया। जो चेंज प्रॉपर्टी चेंज को अपोज करती है उसे क्या कहते हैं इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन में जो जो प्रॉपर्टी लीनियर की चेंज को अपोज करती है उसे क्या कहते हैं ट्रांसलेशनल इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था ट्रांसलेशन एनर्जिया मास पे सिमिलरली जो प्रॉपर्टी रोटेशन मोशन के चेंज को अपोज करती है उसे कहते हैं रोटेशनल एनर्जिया रोटेशनल एनर्जिया किस पे डिपेंड करता था मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन ये इसमें करंट की चेंज को अपोज करेगा इस करके सेल्फ इंडक्टेंस इसका सिंबल अभी बोलूंगा मैं L होता है सेल्फ इंडक्टेंस -induct, को लोग क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं बिकॉज़ इट विल अपोज द चेंज इन करंट इन इट चेंज को कैसे अपोज करेगा इफ इंक्रीजिंग उल्ट्रो करंट इंड्यूस करेगा इफ डिक्रीजिंग सेम तरफ सो इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाई इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन द कॉइल जो मैं समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है जो रोल ट्रांसलेशन मोशन में मास प्ले करता है सेम रोल रोटेशन मोशन में क्या करता है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया मूवमेंट ऑफ एनर्जिया यहां पे क्या करेगा सेल्फ इंडक्टेंस जिसका सिंबल क्या होगा एल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है रोटेशन में होता है एंग्लो डिस्प्लेसमेंट यहां पे होता है चार्ज लीनियर डी एस वाई डी टी डी थीटा वाई डी ओमेगा डी क्यू वाई डी टी करंट सो जहां पे ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर बिलोसिटी होगी रोटेशन में एंगुलर बिलोसिटी होगी यहां पे करंट होगा ये ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी वहां पे इसकी जगह क्या आएगा आई यहां ओमेगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट करंट और आज बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा हाफ इसकी जगह एल इसकी जगह क्या आएगा करंट हाफ एल आई है current, half, L, I current, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट चेंज इन करंट इन द क्वायल इसका मतलब क्या है यदि ये, ये सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है ये सिंबल है रेजिस्टेंस का जस्ट सिंबल ऐसे शेप नहीं होते रेजिस्टेंस के ये बैटरी है ये से टैपिंग की है यदि ऐसे हम इस पर ग्राफ लोड करें करंट वर्सेस टाइम एज लॉन्ग एज की ऑफ है करंट जीरो व्हेन की क्लोज की करंट एकदम अपनी मैक्सिमम वैल्यू टेन कर लेगा कितनी टेन करेगा वी वाई आर ओम्स स्लो इतना करंट रहेगा व्हेन स्विच इज ऑफ एकदम करंट जीरो हो जाएगा इमीडिएटली बट यदि सर्किट में क्वायल लगी है सेल्फ इंडक्ट वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा यदि करंट तो ग्राफ लोड करेंगे आई वर्सिस्टी एकदम करंट अपनी मैक्सिमम मैक्सिम वैल्यूटेन करेगा स्लो स्लो करेगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें ईएमएफ डेवलप होगा जो चेंज को क्या करेगा अपोज सिमिलरली स्विच ऑफ करेंगे एकदम करंट जीरो नहीं होगा स्लो स्लो होगा यह ग्रोथ है, ये decay है। को आप चाबी लगाते एकदम फाइनल स्पीड नहीं ऑन करता बिकॉज ऑफ इनर्शिया ट्रांसलेशन इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो जिस सर्किट में लगी होगी ना तो एकदम करंट मैक्सिमम वैल्यू टेन करेगा ना एकदम जीरो बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद हमारा टॉपिक है कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस जो इसके साथ फ्लक्स लिंक किस फैक्टर पर डिपेंड करती है तो मैं बार बार बोल रहा हूं फ्लक्स होती है एन बी डॉट ए बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई फ्लक्स लिंक किस फैक्टर डिपेंड करती है हम हमारे लिए वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो फ्लक्स को चेंज करता है व्हाट इज दैट बी बी चेंजेस बिकॉज आई चेंजेस

सो बोला फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई और फाइव इज इक्वल टू कांस्टेंट एल इनटू आई इस एल को क्या कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल अब इसके एल के यूनिट क्या होंगे डायमेंशन क्या होंगे डायमेंशन थोड़ी देर बाद लिखेंगे ये क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है एल नो फॉर तक कांस्टेंट होगा For, ये देखो इसको इसका नाम लिखा मैंने एल किस पे एल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मीडियम टर्न डेंसिटी आएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ये फाइव प्रपोर्शनल टाइप और फाइव इक्वल सम कांस्टेंट इनटू एल

यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है सो so, इस सेल को क्या कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इसका तो आपने प्लस टू में थ्री कंपोनेंट्स पढ़े हैं एक कैपेसिटर उसका सिंबल ये है दूसरा रेजिस्टेंस उसका सिंबल ये है सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल ये होगा यहाँ मैग्नेटिक लाइन शो कर दें तो और बेटर है सेल्फ इंडक्टेंस सी एल ये तीन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी में नो no, इसकी डेफिनेशन क्या होगी सपोज आई इज वन इसका मतलब किसके बराबर हो गया? L. तो क्या डेफिनेशन बने कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इसे कहते हैं इक्वल टू नो न्यूमेरिकली इक्वल इक्वल नहीं बोलना ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। यहां कह सकते फाइव इक्वल टू तो एल आई यहां क्या बोलेंगे? फाइ इज इक्वल टू तो आई सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल इज निकली इक्वल टू तो फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल वेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट वेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट अब इसके यूनिट क्या होंगे यहां से एल फाइव आई आई फाइ के यूनिट है बेबर आई so, के एम्पियर सो एल के यूनिट क्या होंगे सेल्फ इंडक्टेंस के पर एम्पियर इसका एक और नाम भी है हैनरी हैनरी साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर ये बड़ा है इसके यूनिट फाइ को सेल्फ इंडक्टेंस को हम एक और मेथड से डिफाइन करते हैं सो so, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन सो ये आ गया डी फाइवी डेरीवेटिव डी आई वाइडिटी नो यूजिंग फैड फैड केहते हैं इंड्यूज डी एम एफ इज माइनस डी फाइवी दैट इज माइनस डी फाइवी क्या एल डी आई वाइडिटी काफी इंपॉर्टेंट है सो जे क्वाइल में करंट चेंज होगा एम एफ डिवेलप होगा जे करंट नहीं चेंज होगा ई एम एफ नहीं डेवलप होगा इनर्शिया उतनी देर तक रोल प्ले करता है जितनी देर तक चेंज होती है चेंज नहीं है इनर्शिया का कोई रोल नहीं है सो इफ आई चेंजेस ई एम एफ माइनस का क्या मतलब है यहां पे वेक्टर्स में तो माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन है बट ए नहीं है तो यहां माइनस का मतलब है इंड्यूस्ड ई एम एफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जो चेंज इन करंट को अपोज करेगा इट विल अपोज साइन नहीं लेते नेगेटिव साइन समाइम हम निगलेक्ट कर देते हैं तो अदरवाइज नेगेटिव का मतलब क्या है दिस इंड्यूस्ड ई एम एफ विल अपोज द चीज इन करंट इन द क्वल नो यहां से एल के एक कि डेफिनेशन एक और नेगेटिव साइन छोड़ दो अब साइलन अपॉन डी आई वाई डी इफ इंड्यूस्ड डी एम वन वोल्ट है व्हेन करंट इज चेंज एट द रेट ऑफ करंट एम्पीयर पर सेकेंड तब हम बोलेंगे उस क्वाइल की सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वन हेनरी सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज सेट टू वन हेनरी इफ इतना ई एम होता है इसमें

कि क्या स्ट्रेट वायर की कोई सेल्फ इंडक्टेंस होगी स्ट्रेट वायर की क्या बोला फ्लैक्स लिंक इज एन बी डॉट थिकनेस जीरो है ए फ्लक्स लिंक कितनी होगी जीरो नो चेंज इन फ्लक्स इफ देर इज नो चेंज इन फ्लक्स नो इंडियोज डिवेल्प सो इफ नो इंडियोज डिवेल्प So, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी जीरो सो स्ट्रेट वायर हैज नो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देन आपके पास टॉपिक है नोट्स में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलन इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है सुन लो जब भी किसी भी चीज की सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है हमने यह फॉर्मूला यूज करना फाइज फाइज एल ए एंड एन बी डॉट इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बार बार टू फाइंड एल सेल्फ इंडक्टेंस कि किसी भी चीज की सेल्फ इंडक्टेंस पूछ सकता है किसी चीज के ये इक्वेशन सोल्व करनी है हमें तो Suppose, इसमें टोटल टर्न एन है लेंथ एल एरिया ए तो जब करंट आई पास किया तो इसमें फील्ड कितना होता है पिछला यूनिट म्यू नॉट एन आई बट इज एन टर्न डेंसिटी. का मतलब क्या होता है टोटल टर्न अपॉन लेंथ लीनियर डेंसिटी. नो फ्लैक्स लिंक कितनी होगी एक टर्न से बी डॉट एफर एन टर्न होगी फ्लैक्स लिंक तो टोटल टर्न कितनी हो जाएंगी? एल तो इसमें फील्ड भी ऐसे ही है एरिया भी ऐसे ही है एरिया भी लॉन्ग सो बी इज पैरल टू ए सो जो पैरल है तो क्या हो जाएगा एन बी जो मैं लिख रहा हूं It is only true. पिछले में पता आपको ए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पे होता है लॉन्ग मैंने ये भी अभी, में में इतना फील्ड है पिछले यूरो में पढ़ा आपने एंड में फील्ड इससे हाफ हो जाता है सो so, इसे लोग कहते हैं निग्लेक्टिंग एंड इफेक्ट थ्रू आउट फील्ड यूनिफॉर्म सपोज किया पूरी क्वाइल में पूरी क्वाइल में इतना बी विच इज रॉन्ग फिजिक्स में सारी कैलकुलेशन अप्रोक्सी होती है, हो है। so, कितने हो जाएगी N, total turns कितनी N into L, B, ये एंड फ्लैक्स लिंक शुड बी एल इन टू आई आई कैंसिल हो गया तो प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी म्यू म्यूनोट एन स्केर एल इन टू ए इतनी नॉट ये फार्मूला तो भी वैलिड है जब इसके अंदर वैक्यूम है और यू कैन से एयर। एल लेंथ एरिया व्हाट इज एन लीनियर टर्न डेंसिटी सो थोड़ी देर पहले आ रहा था एल यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है नो ये इस क्वाइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कौन सी प्रॉपर्टी थी लेंथ एरिया जिसे लोग कहते हैं एक लाइन में शेप साइज एंड सराउंडिंग ये सराउंडिंग पर डिपेंड कर रहे हैं यदि हम इसमें सॉफ्ट की कोर पा दें हैं तो बी आपने पढ़ा है म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है सो ये म्यू आर इंक्रीज कर गया तो सेल्फ इंडक्टेंस भी विदाउट एनी एफर्ट म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर वन थाउजेंड होता है सो विदाउट एनी एफर्ट की सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस थाउजेंड टाइम इंक्रीज कर जाएगी ये आगे फिर आएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस को चोक भी कहते हैं चोक चोक जो ट्यूब में लगी होती है करंट कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट यूनिट में इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन लीनेट टर्न डेंसिटी टोटल टर्न अपॉन लेंथ सो म्यू नोट एन स्केर सॉल्व करूंगा तो जाएगा एन एनस्कअर बाई एल ए यदि किसी मीडियम में बाउंड अप किया तो सेल्फ इंडक्टेंस इतनी हो जाएगी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए यहां से ये भी पता लग रहा है सेल्फ इंडक्टेंस किसी क्वाल की किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो नोट्स में लास्ट लाइन क्या लिखे वी हैव जो मैंने कई बार बोल दिया फील्ड इन साइड यूनिफॉर्म एंड एंड आर निगलेक्टेड क्या यह फील्ड सिर्फ म्यू नॉट एन आई यहां पे होता है इसके ऊपर भी काम होता है यहां भी काम होता है एंड में भी एंड में हाफ हो जाता है हमने थ्रू आउट फील्ड सेम अज्यूम किया ऐसे भी किया सेम ऐसे भी किया सो अवर कैलकुलेशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली वैलिड नॉट हंड्रेड परसेंट वैलिड सभी कैलकुलेशन ही ऐसे होती हैं नो अगला टॉपिक जो हमने नोट्स में किया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर क्वाइल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर क्वाइल तो मैंने बोला है जब भी सेल्फ कर निकालनी है ये इक्वेशन सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल भी आएंगे इसकी सेल्फ इंडक्टेंस करो ये इक्वेशन सॉल्व करोगे ये सर्कुलर क्वाइल है सपोज टोटल टर्न्स एन है रेडियस आर वी आर सपोजिंग रेडियस सेम है सभी क्वाइल्स का तो यदि इसमें करंट आई पास किया तो इसके अंदर फील्ड कितना होता है Upon 4 pi, 2 pi i by r. पिछला इफ इतना फील्ड होगा यदि ऐसे करूं तो फील्ड ऐसे होगा ये साइड आपकी तरफ इधर करंट ऐसे ये पिछले यूनिट में पड़ा फील्ड इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितनी हो जाएगी एन बी डॉट ए सो बी भी अलोंग का एक्सिस है एरिया वेक्टर भी अलोंग द सो so बी और ए के बीच में एंगल जीरो है कितनी फ्लक्स होगी एन बी ए फिर अप्रोक्स जो किया गलत है बिकॉज फील्ड बी तो यहाँ पे इतना होता है ऊपर थोड़ा इतना ना यहाँ पे होता है सो so, हमने थ्रू आउट फील्ड सेम ले लिया ये रॉन्ग है आवर कैलकुलेशन आर अप्रोक्सीमेटली वैलिड नॉट हंड्रेड परसेंट ट्रू ये तभी ट्रू होगी यदि इसका रेडियस बहुत कम है दैन वी कैन अज्यूम फील्ड इज यूनिफॉर्म तो एन बी इसके बराबर है पाई कैंसल करती है टू सो बी इज मू नॉट आई एन बाई टू आर एरिया पाई आर स्केर सो फाई शुड भी एल इन टू आई सो आई कैंसिल हो गया बाकी सॉल्व कर लो वो आ जाएगी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर क्वाइल नो नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इससे पहले आपने पढ़ा है यदि कपैसिटर चार्ज है यह पॉजिटिव प्लेट है यह नेगेटिव प्लेट है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एनर्जी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि कैपेसिटी सी या पोटेंशियल वी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू वी दे, देन ये ये दिस V हम एक और शेप भी लिख सकते हैं यदि की value लिखी है क्यों तीन एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इसे एनर्जी को कहते क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अब हम ये पढ़ने लगे हैं एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर अक्रॉस द इंडक्टर तो पहले मैं आपको आंसर बताने लगा हूं इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो एनर्जी थी उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसे बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आंसर बताने लगा थोड़ी देर पहले लिखा भी था यदि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो एनर्जी क्रॉस इंडक्टर हाफ एल आई स्केयर हाफ एल आई स्केर एंड दिस एनर्जी विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर में कितनी है हाफ सी वी स्वयर हाफ सी बी स्क्वे तो अब हम ये फार्मूला डिड्यूस करने लगे एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर तो क्या बोला सपोज ये पोटेंशियल अप्लाई किया जब इस स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट इंक्रीज करेगा करंट इंक्रीज किया यहां पे ई एम एफ होगा वो ई एम एफ करंट की इंक्रीज को अपोज करेगा यदि स्टिल करंट इनक्रीज करने इस ई एम एफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा वर्क करना करने जो वर्क किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैपेसिटर में बोला था यदि कैपेसिटर को चार्ज करने ये बैटरी है यह चार्ज पॉजिटिव आ जाता है नेगेटिव ये चार्ज ऐड करने यह पॉजिटिव उसको रिपेल करता है जिस स्टिल चार्ज इंक्रीज करना है उसे पीछे से पुश करना पड़ेगा इसने पुश करना है उस पर वर्क करना पड़ेगा जो वर्क किया था वो यहां स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सो फिर बोलने लगा हूं इफ करंट इन द कॉइल ज टू बी इंक्रीज्ड, वर्क हैज टू बी डन ऑन इट क्यों जी करंट चेंज होगा इंक्रीज होगा या ईएमएफ डेवलप होगा वो इंक्रीज को अपोज करेगा यदि स्टिल करंट इंक्रीज करना है इस ईएमएफ के अगेंस्ट तो वर्क करना पड़ेगा वर्क किसने करना है जो वर्क किया वो इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट इन मैग्नेटिक फील्ड सो कितना होगा अभी बताया माइनस एल डी डेटे यदि करंट मेंटेन करना है हमको कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसके इक्वल और अपोजिट इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इफ हाई करंट इज मेंटेन फार टाइम डेटे बाई दिस सोर्स इसने कितना वर्क किया सेकंड यूनिट वाकडन बाय दी इफ करंट आई मेटेन किया यह अपोज कर रहे जो मेनटेन किया इसने वर्क किया जितना कितना वर्क किया यह फॉर्मूला सो वॉकडन बाय दिस सोर्स आएगा वी आई इन टू डी टी सो वी आई इंटू डी टी वी की वैल्यू कितनी है एल डी आई बाई डी टी एक आई इंटू डी टी सो यह इक्वेशन कितना वर्क करना पड़ेगा एल आई इंटू डी आई जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है मैथ में एल आई डी आई इसका इंग्लिश लिटरेचर में क्या मतलब है इसमें यदि करंट आई से इनक्रीज करके आई प्लस डी आई करना है कितना चेंज करना डी आई इट टू वर्क डू वर्क इस के कितना वर्क करना पड़ेगा इतना दिस द वर्क डन बाय दिस ऑन दिस कॉइल इन इनक्रीजिंग करंट फ्रॉम आई टू आई प्लस डी आई टोटल वर्क डन कितना होगा इसकी इंटेग्रेशन से जीरो टू आई सो वर्क डन है एल आई डी आई की इंटेग्रेशन आई स्केर बाई टू जीरो टू आई सो लिमिट सब्सिट्यूट कर दो एल पहले अपर लिमिट आई स्केर बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो सो कितना वर्क करना पड़ा हाफ एल आई स्केर तो ये आपको पता है वाकडान अंडर क्वेस स्टैटिक कंडीशन एक क्वेस स्टैटिक कंडीशन है अप्लाइड पोटेंशियल इसके इक्वल और अपोजिट वाकडान अंडर क्वेस स्टैटिक कंडीशन ऑलवेज चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सो ये वर्क इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो क्या प्रूव किया इस आर्टिकल में यदि क्वाइल में करंट इंक्रीज करने हैं जीरो टू तो आई कितना वर्क करना पड़ेगा हाफ एल आई स्क्र एंड दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है हाफ सी वी स्क्र कैपेसिटर में सो so, ये फॉर्मूला सो so, यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन लिखते हैं सपोज आई इज वन यदि आई वन है डब्ल्यू कितना आ जाएगा एल वाई टू और एल कितना आ गया ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल क्या बोलते हैं इसे इक्वल टू नो ये इक्वल था नमेरिकली इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज निकली इक्वल टू ट्वाइस द डन ऑन द क्वाइल वर्क एन ऑन इन इनक्रीजिंग करंट फ्रॉम जीरो फ्रॉम जीरोक्टेंस के डायमेंशन इस इक्वेशन से लिखोगे सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी ट्वाइस डब्ल्यू बाई आई स्कर्क के डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू करंट एंपीयर स्कूर सॉल्व so कर लो ये डायमेंशन आ जाएंगे सेल्फ कंडक्टेंस के तो एक और चीज जनरली क्वेश्चन आता था यदि पहले में करंट इतना है आई आई करके इतना करना है आई एफ कितना वर्क करना पड़ेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी हाफ एल आई आई स्क्वायर फाइनल एनर्जी कितनी बन जाएगी हाफ आई एल आई एफ स्क्वायर सो वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी दिस माइनस दिस हाफ एल आई एफ स्क्वायर माइनस आई आई स्क्वायर यदि पहले करंट आई आई है आई आई मीन इनिशियल इट हैज टू बी इंक्रीज टू आई एफ ये होगा सिमिलरली कैपेसिटर में ये फार्मूला था हाफ सी वी एफ स्केयर माइनस वी आई पोटेंशियल वहां ट्रांसलेशन मोशन में ये फार्मूला हाफ एम वी स्केर माइनस यू स्केयर ये स्पीड है रोटेशन में ये था फार्मूला हाफ आई ओमेगा फाइनल स्केयर माइनस ओमेगा इनिशियल स्कोर ये सारे फार्मूले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आते हैं डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी फिर हमने नोट्स में लिखा है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग का क्या मतलब है नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग वो बाइंडिंग जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है उसे नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग कहते हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है सेल्फ इंडक्टेंस से आती है फाइज एल आई फाइज एन बी डॉट ए सेल्फ इंडक्टेंस जीरो तभी हो सकती है आ बी जीरो हो जाए और ए जीरो हो जाए क्या तीन कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी में सी आर एंड एल कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर आइडियल रेजिस्टर का मतलब क्या है जिसके ये और ये दोनों जीरो हैं आइडियल कैपेसिटर का क्या मतलब जिसके ये दोनों जीरो हैं सिर्फ यही है आइडियल इंडक्टर का मतलब है जिसके ये और ये जीरो हैं। यू नो नथिंग आइडियल इज पॉसिबल आइडियल पॉसिबल ही नहीं है जहां भी होते तीनों कंपोनेंट होते हैं एट द मोस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं सो नॉन इंडक्टिव बैंडिंग उसको कहते हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस जीरो हो रेजिस्टेंस हो इंडक्टेंस ना हो कैपेसिटर की बात हम नहीं कर रहे कैपेसिटर निगलेक्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं ता, वायर का रेजिस्टेंस बनता है तो रेजिस्टेंस वायर आप खोलोगे तो वायर का रेजिस्टेंस होता है यदि जो तार है उसको ऐसे ही कर दोगे इसे कहते हैं बॉन्ड ओवर इट सेल्फ डबल करती तार फिर यहां से मोड़ दो तो क्या होगा यदि इधर करंट जा रहे है, इसमें इधर होगा यदि इसमें ये है इसमें ये ये होगा इसमें है, इसमें है ये क्या समझा रहा है ये दोनों करंट उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ये करंट इधर जाके इधर जाएगा सो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देंगे सो जब बी जीरो हो गया तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा जीरो इसे कहते हैं नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग वायर ओवर डबल करके कर दो सो दैट करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इंसुलेटेड अदरवाइज सो इसे कहते हैं क्या कहते हैं नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग फिर आगे लिखा है कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर्स कंबीनेशन जैसे आपने पहले पढ़ा है कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कंबिनेशन ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर हैं कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर तो पहले भी आपको बोल चुके हैं कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर हम यूज करते हैं टू हैव सुटेबल इंडक्टेंस एट सुटेबल करंट कैपेसिटी सीरीज इसे सीरीज कहते हैं सीरीज किसको कहते हैं जिसमें सेम करंट फ्लो करता है जिसमें यूनिक पाथ है ये सीरीज है और ये पैरेलल है तो सीरीज में करंट सेम होगा यहाँ ई एम एफ अपसाइलन वन यहाँ पे अपसाइलन टू थ्री, इसकी सेल्फ कंडक्टेंस एल वन इसकी एल टू इसकी एल थ्री तो अपसाइलन किसके बराबर है माइनस एल डी तो अब वन इतना हो जाएगा अब अबसाइलन टू माइनस एल टू करंट सेम है डी आई बाई डी टी यहां पे थ्री माइनस एल थ्री डी आई बाई डी टी सो टोटल ई एम एफ कितना डेवलप हो जाएगा अब अपसाइलन वन प्लस अब प्लसायलन टू प्लस अब अपसाइलन थ्री सो ये ये ऐड करेंगे कॉमन ले लो माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन ले लिया कितना आ गया ब्रैक के अंदर एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री ये टोटल आ गया सो so, इफ तीनों एक के बराबर है जिसकी इक्वलन इंडक इंडक्टेंस है एल एस इक्वलन का मतलब क्या है सेम करंट पास करें जितना तीनों में किया इस इसकेले में ई एम एफ कितना डिवेलप हो इस इसकेले में जितना तीनों में है सेम करंट के कारण यदि सेम ई एम एफ डिवेलप हो रहा है सेम मींस जो तीनों में है तो इसको बोल लेंगे ये इसकी इक्वलेंट है तो यहां से ये आ जाएगा माइनस एल एस डी आई बाई डी टी सो डी आई बाई डी टी कैंसिल हो गया माइनस कैंसिल हो गया सो यू हैव एल एस इज सेम फार्मूला जो रेजिस्टेंस में है यदि पैरल में निकालोगे तो यह फार्मूला आ जाएगा वन अपॉइन एल वन प्लस वन वाई एल टू प्लस वन वाई एल थ्री सेल्फ इंडक्टेंस तो इसके साथ सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म हो जाता है तो हमें एक क्वेश्चन करने लगे हैं नोट्स में पेज 131 में है तो ये क्वेश्चन है एवरेज ईएमएफ डेवलप हुआ 20 वोल्ट इज इंडस्ड इन एन इंडक्टर वेन करंट इन इट इज चेंज फ्रॉम इनिशियल करंट टू पॉइंट फाइव एम्पियर है इन वन डायरेक्शन टू द सेम वैल्यू पहले करंट इधर तो आप करंट उल्ट कर दिया मतलब फाइनल करंट लिख देंगे माइनस टू पॉइंट फाइव एम्पियर यहाँ माइनस का मतलब डायरेक्शन से और कुछ नहीं है एंड ये प्रोसेस हुई टाइम में पॉइंट वन सेकेंड तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस तो क्या फार्मूला है एल डी आई बी डी टी नेगेटिव साइन नहीं लिया नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है ये नेगेटिव लेना है ले भी सकते फिर इंडियमएफ माइनस ट्वेंटी लिखना इंडियोस माइनस ट्वेंटी यदि माइनस लो तो ये ट्वेंटी एल निकालना चेंज इन करंट टू पॉइंट फाइव से माइनस टू पॉइंट फाइव कर दिया सो चेंज फाइव एंपियर हो जाएगा दिस माइनस दिस कितने टाइम में हुआ पॉइंट वन सेकेंड सो so, यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो टू बाई फाइव पॉइंट फोर हेनरी दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस क्वाइल पॉइंट फोर हेनरी माइनस लेना ना तो एम में भी माइनस लिखना डी आई फिर लिखना फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव और सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा पॉजिटिव निकालनी है नेगेटिव नहीं निकालने सेल्फ इंडक्टेंस एल सी आर ये तीनों कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव नहीं निकालने तो ये था क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस पे एन no, सी में भी क्वेश्चन होगा सेल्फ इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है एक और है एनर्जी डेंसिटी तो यदि आप करो नोट्स में एग्जांपल 6.10 पेज 148 एग्जांपल एट सिक्स पॉइंट वन जीरो पेज वन फोर्टी एट हम क्वेश्चन टेंटो सिक्स पॉइंट टेन पेज वन फोर्टी एट पर डिस्कस कर रहे हैं हमने एक फार्मूला डेवलप करना है इसमें अनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेंथ एंड एरिया तो मैंने आपको डेरिवेशन में कराया अनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एल आई स्क्वायर हाफ एल सेल्फ कंडक्टिंग स्कॉल की करा दी म्यू नॉट स्केयर अप म्यू नॉट एन स्केर बाई एल इन टू ए इंटू आई नो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन इंटू आई दैट इज म्यू नॉट टोटल टर्न इंटू आई तो इस इक्वेशन से यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई विल बी इक्वल टू बी एल बाई म्यू नॉट इंटू एन सो यहां पे आई की वैल्यू लिख दो बी एल अपॉन म्यू नॉट एन होल स्केयर यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ए एनर्जी आ जाएगी बी स्केयर बाई टू म्यू नॉट इन टू एल इंटू एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी एक टर्म हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ई एम बेम में यूज होगा इलेक्ट्रिक फील एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ई अपल पहले पढ़ा तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मैग्नेटिक एनर्जी म्यू एल ए अपॉन वॉल्यूम एल ए सो ये कैंसिल हो गया सो so इसके इक्वलेंट छोटी यू से लिखा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी बी स्केयर बाई टू नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है ये हर फील्ड में लगती है हालांकि हमने कैपेसिटर में प्रूव किया हर जगह लगेगी ये भी हर मैग्नेटिक फील्ड में लगेगी थैंक यू